एक योग काय योगा योगा नाम एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्क श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत क्षीण मोह क्षपक्षीण मोहजिनाः क्रमशो संख्येय गुण निर्जराः बुला कब कुश कुशोल निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्यः इति नवम अध्यायः अरब्यः परादरणीय भाई सबके प्रवचन प्रारंभ होते हैं। सावधान जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोए सर्वसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं करम भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। सर्वार्थ सिद्धि सातवां अध्याय शुभाश्रव की मुख्यता से चर्चा हो रही है और शुभाश्रव के कारण रूप व्रतों की चर्चा। अभी जो अपना प्रकरण चल रहा है जिनके विरत होने से व्रत होते हैं ऐसे पापों का स्वरूप बता रहे हैं, हिंसादि पापों का स्वरूप ले रहे हैं। सबसे पहले हिंसा का स्वरूप लिया प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपनम हिंसा, और वो प्रमत्त योग शब्द आगे सभी में जोड़ने के संदर्भ में कहा। हिंसा झूठ चोरी यहाँ तक की चर्चा अपनी हुई थी। सूत्र से बात करें तो हिंसा अनृत और स्तेय है ना, यहाँ तक की चर्चा हुई। अब अब्रह्म परिग्रह अब्रह्म और परिग्रह की चर्चा करनी है। 16वें सूत्र की चर्चा अथ चतुर्थम अब्रह्म किम लक्षणम इत्यत्र उच्यते। चतुर्थम पंचम शब्द आया था वहां म पूरा लिया पंचम कहाँ था पीछे, यहाँ चतुर्थम म फिर अब्रह्म जोड़ा उसके साथ में चतुर्थम अब्रह्म, तो वहां पांचवा पांचवा करना हो तो पंचम म पूरा आएगा। और ये चतुर्थ शब्द है, वैसे जैसे पंचम है ऐसे चतुर्थ है, इसलिए चतुर्थम चौथा अब्रह्म उसका क्या लक्षण है वो कहते हैं। मैथुनम अब्रह्म पहले मैथुन की व्याख्या करते। मैथुन क्या होता है?
स्त्री पुंसयो हो चारित्र मोहो दे सती राग परिणाम आविष्टयो हो परस्पर स्पर्शनम प्रति इच्छा मिथुनम मिथुनस्य कर्म मैथुनम इति उच्यते। मिथुन और मिथुन का भाव ही मैथुन है ऐसा कहते हैं। चारित्र मोह उदय सती, चारित्र मोह का उदय होने पर और खास करके उसमें वेद का उदय होने पर उस उदय सती राग परिणाम आविष्ट यो हो, राग परिणाम से जो युक्त हो रहे हैं आविष्ट हो रहे हैं ऐसे स्त्री पुंस यो हो, ऐसे स्त्री और पुरुष का जो परस्पर स्पर्शन स्पर्शन नहीं स्पर्शन की इच्छा वो कह रहे मिथुन कहलाता है। मिथुन मिथुन का जो भाव या कार्य है वो मैथुन कहलाता है। न सर्वम कर्म, तो परस्पर स्पर्श करने की इच्छा या परस्पर स्पर्श करना तो सारे ही स्पर्श वाले कार्य को मैथुन नहीं कहेंगे। यानी वो सीधा तात्पर्य कि विशिष्ट क्रिया को ही यहाँ मैथुन के अर्थ में लिया जाएगा। लोके शास्त्रे च तथा प्रसिद्ध है, सारे कर्म को मैथुन नहीं कहते हैं, वो विशिष्ट कार्य को। लोक और शास्त्र में भी इसी प्रकार से मैथुन शब्द रूढ़ है, समझ लीजिए प्रसिद्ध है। लोके तावद आ गोपालादि प्रसिद्धम स्त्री पुंसयो राग परिणाम निमित्तम चेष्टितम मैथुनमिति। स्त्री और पुरुष में उस तरह के सीधे काम राग से परिणत हो करके जो चेष्टा की जाती है वही मैथुन कहलाते हैं, कहला जाती है। ऐसा लोक में ही आ गोपाल आदि, माने गोपाल से क्या मतलब हा? बाल शब्द नहीं लेंगे इसमें, आ गोपाल ले रहे हो, बाल गोपाल वाली बात अलग होती है, बाल से वृद्ध तक की बात आएगी। आ गोपाल आदि माने एक बिना पढ़ा लिखा, जैसे अनपढ़ गोपाल लेना माने अनपढ़, तो अनपढ़ व्यक्ति भी इस बात को इसी रूप में समझते हैं मानते हैं। ये लोक में ये सबको प्रचलित है। शास्त्री अपि अश्व वृषभयोर मैथुन इच्छायाम, हाथ घोड़ा इत्यादि भी मैथुन की इच्छा इस रूप में शब्द का प्रयोग करते हैं शास्त्र में, तो वहाँ भी इत्येवम आदिशु तदैव गृह्यते, वहाँ भी उस विशिष्ट क्रिया को ही ग्रहण किया जाता है। अपि च प्रमत्त योगात इति अनुवर्तते, और प्रमत्त योगात ये तो पहले सूत्र से हिंसा के लक्षण से ही अनुवर्तन हरेक में जोड़ना ही है। तेन स्त्री पुंस मिथुन विषयम रति सुखार्थम चेष्टितम मैथुनम इति गृह्यते न सर्वम। इसलिए स्त्री और पुरुष मिथुन विषय अर्थात रति के लिए जो चेष्टा करते उसी अर्थ में मैथुन का ग्रहण किया जाता है। न सर्वम, और किसी भाव से यदि स्त्री पुरुष स्पर्श कर रहे परस्पर में उसे मैथुन नहीं कहा जाएगा। जबकि ऊपर मिथुन की जो परिभाषा दी उसमें तो ऐसा लिखा था परस्पर स्पर्शनम प्रति इच्छा, तो एक दूसरे को स्पर्श करना, तो सारे स्पर्श की क्रिया को नहीं लेंगे, ये विशिष्ट क्रिया से संदर्भित ही लेना। अहिंसादयो गुणा यस्मिन परिपाल्यमाने बृहन्ति वृद्धिमुपयान्ति तद ब्रह्म। अब ये एक मैथुन की तरफ से बात की, अब अब्रह्म की तरफ से भी बात की। उस मैथुन को ही अब्रह्म कहते हैं, लेकिन अब्रह्म में से भी उसका अर्थ निकालते हैं। अहिंसा अहिंसादि जो व्रत हैं ये जिसके परिपालन करने पर बृहन्ति माने वृद्धिम उपयान्ति बढ़ते हैं, जिसके पालन करने पर अहिंसादि व्रत और वृद्धि को प्राप्त होते हैं वह ब्रह्म कहलाता है। यहाँ ब्रह्म से तात्पर्य अभी सीधा वो शुद्ध आत्मा नहीं ले रहे हैं, सीधा ब्रह्म का अर्थ है ऐसी विशिष्ट व्रत की क्रिया है जिसके पालन करने से अहिंसादि व्रत और वृद्धि को प्राप्त होते हैं विशिष्ट। न ब्रह्म अब्रह्म इति, और वो धारण न करे कोई तो अब्रह्म कहलाता है। किम तत्, वो क्या है कि मैथुनम, वो जो मैथुन की चर्चा की वही अब्रह्म है। लेकिन वो अब्रह्म क्यों है, यदि वे करते हैं तो अहिंसादि व्रत बढ़ेंगे नहीं, और यदि ब्रह्म धारण करेंगे ब्रह्मचर्य तो अहिंसादि बढ़ेंगे।
तत्र हिंसा दया दोषा पुष्यन्ति, हिंसादि दोष पुष्ट होते हैं किसमें, मैथुन में। यस्मान मैथुन सेवन प्रवण स्थानुन चरिष्णुन प्राणिन हिनस्ति, मृषावादम आचष्टे अदत्तम आदत्ते अचेतन मित्रम च परिग्रहम गृह्णाति। वो मैथुन करने वाला क्या नहीं करता गिरे हैं। मैथुन सेवन प्रवण, मैथुन सेवन में जो ज़्यादा लिप्त है प्रवण, ऐसा स्थानुन चरिष्णुन प्राणिन, ये जो शब्द दिए स्थानुन चरिष्णुन प्राणिन, हिंदी अर्थ क्या चराचर, चराचर। अब चर और आचर माने क्या ले गए, वैसे जब बात करते हैं चराचर जगत तब वहाँ तो ये अर्थ लिया जाता है कि जड़ और चेतन, चर अचर ये दोनों तरह से। लेकिन वो चर अचर कहने में भी ये है कि कुछ चलते हैं और कुछ नहीं चलते हैं, ऐसे यहाँ लेना चाहते हैं। स्थानुन और चरिष्णुन माने जो स्थानशील है, यहाँ वहाँ चलन नहीं कर पाते, और जो चरिष्णुन चलते हैं। त्रस के दो अपने संसारी जीवों के दो भेद किए ना, संसारी ना त्रस स्थावर, हाँ त्रस और स्थावर ऐसे दो भेद किए। तो त्रस की परिभाषा क्या, स्थावर की परिभाषा क्या, बहुत जगह ऐसा आता है त्रसंती इति त्रसा और स्थानशीला स्थावरा, हाँ ऐसा आता है त्रसंती इति त्रसा, जो गमन करते हैं वे त्रस और स्थानशील वो स्थावर, एक स्थान पर है। जैसे ये कोई लक्षण घटित नहीं होगा क्योंकि एक इंद्रिय हवा है पानी है, ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं, सिर्फ ये वनस्पति और पृथ्वी ये एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते। हाँ जी प्रत्येक वनस्पति, हाँ और वो जो क्या दूसरी साधारण तो निगोद है, तो वो तो सर्वत्र माने चलते ही है, इसलिए वो तो स्थूल अपेक्षा से बात की। यहाँ इस दृष्टि से बात की जाए कुछ जीव स्थानशील है, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते, और कुछ है वह भ्रमण करते हैं। तो ये स्थानुन चरिष्णुन चल अचल प्राणी, प्राणी ही लिए हैं, तो चर इसलिए चर माने चलने वाले और अचर माने नहीं चलने वाले, एक स्थान पर रहने वाले, ऐसे प्राणियों का वह घात करता है, ऐसे प्राणियों का घात होता है। मृषावादमाचष्टे वो मैथुन करने वाला झूठ बोलता है, अदत्तम आदत्ते नहीं दिया हुआ ग्रहण माने चोरी करता है सीधा, अचेतन मित्रम च परिग्रह ग्रहणाति चेतना चेतन परिग्रह इकट्ठा करता है, अरे वो काम वासना से पीड़ित व्यक्ति सब पाप करता है, इस अर्थ में लेना चाहते हैं। अब इसके विरुद्ध लेना है, जो इसके विरुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसके फिर हिंसादि उसके जीवन में हिंसा झूठ चोरी कुशल नहीं होंगे, इसलिए अहिंसादि व्रत जो है वृद्धि को प्राप्त होते हैं, ऐसा लिया। अथ पंचमस्य परिग्रहस्य किम लक्षणम इत्यतः, अब जो पांचवा परिग्रह उसका लक्षण क्या है, वो कहते हैं मूर्छा परिग्रह। मूर्छा इति उच्यते, का मूर्छा, मूर्छा बताते हैं क्या होती है मूर्छा, बाह्यानाम गो महिष मणि मुक्ता फलादीनाम चेतना चेतनानाम अभ्यंतराणाम च रागादीनाम उपधीनाम संरक्षण अर्जन संस्कारादि लक्षण अव्यावृत्तिर मूर्छा। संरक्षण अर्जन संस्कारादि लक्षण अव्यावृत्ति, संरक्षण उसकी रक्षा करना, अर्जन जोड़ना माने कमाना, वैसे अर्जन के बाद संरक्षण होना चाहिए, पहले कमाएगा इकट्ठा करेगा फिर उसकी रक्षा करेगा, इन्हों संरक्षण अर्जन शब्दों की दृष्टि से आगे पीछे किया उसे। संस्कार इकट्ठा भी कर लिया, संरक्षा भी कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ को भी रखा है ना उसको वैसा का वैसा नहीं रखना चाहते हैं, मकान बना लिया बड़ी मेहनत से और अब ये मकान
कोई तोड़े नहीं, कोई हड़प नहीं लेवे, इसलिए बराबर सुरक्षा भी कर ली, हो गया ना कि नहीं। 10-5 साल बाद क्या होता है, यहाँ रिनोवेशन होना चाहिए उसमें। ये कह रहे हैं उसके संस्कार, वो चैन नहीं पड़ती हर एक चीज़ में। गाड़ी खरीदी है तो मेंटेनेंस तो करती करते, बदलते भी जाते हो। ये कह रहे संस्कार आदि, इसको अव्यावृत्ति, ये नहीं छूटना, ये नहीं छोड़ना, वो क्या कहलाएगी, मूर्छा। लेकिन किसके संदर्भ में, बाह्य और अभ्यंतर दोनों ले रहे हैं। बाह्य में क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें समकित, क्या चीजें वहां पढ़ो ना, अभी इतने याद थोड़ी हो जाएगा जल्दी से, क्या क्या है बाह्य में, गो महेश मणि मुक्ता फलादीनाम, गाय भैंस और हाँ मणि मुक्ता फल माने मोती, सोना चांदी इत्यादि सभी आ गए उसमें, और चेतना चेतना नाम दोनों तरह से भी इसमें 1500 के नोट नहीं आए हैं, न 2000 का आया। वो पहले जमाने में ये चलते ही नहीं होंगे, इसलिए मणि मुक्ता इत्यादि ही। वो 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह में भी कहीं भी उल्लेख नहीं है, धन धान्य सोना चांदी ये तो सब है, और चेतन अचेतन गो महिष गो धन ये सभी, सबको धन माना जाता था पहले, इसलिए ये सभी तो चेतन अचेतन। और अभ्यंतर क्या है, रागादि, रागादि नाम उपाधि नाम औपाधिक भाव, आश्रव के जितने परिणाम है, मोह राग द्वेष के भाव, ये सभी या अभ्यंतर परिग्रह मिथ्यात्व और 13 प्रकार की कषाय, बाकी की 4 कषाय 9 कषाय, ये सभी 14 प्रकार के जो कषाय हैं वे सभी यहाँ पर अभ्यंतर परिग्रह, इनका भी ये बाह्य परिग्रहों के संदर्भ में जैसा अपन ने कहा ऐसे अभ्यंतर परिग्रह के संरक्षण में लगे हैं हम, अर्जन में भी लगे, संरक्षण में लगे, संस्कार करने में लगे हुए हैं, वे इससे छूटे नहीं, विकारी भावों के भी बढ़ाने में हम लगे हुए हैं, वह सब मूर्छा कहलाती है। ननुच लोके वातादि प्रकोप विशेषस्य मूर्छा इति प्रसिद्धि अस्ति, तद ग्रहणम कस्मान् न भवति, के मूर्छा का अर्थ लोक में तो कुछ और ही होता है, ये मूर्छित तो हो गया, कब कहते मूर्छित तो हो गया, बेहोश हो गया, तो ये जो बेहोश होना है ये वातादि प्रकोप विशेषस्य, ये वात के कारण से होता है, माने वात का रोग है समझ लो बेहोश होना, तो ये वातादि विशेष प्रकोप होना इसे लोक में मूर्छा ऐसा प्रसिद्ध है, उसी का यहाँ ग्रहण क्यों नहीं किया, मूर्छा से वही बेहोशी क्यों नहीं ली गई। सत्यम एवं एतत् मूर्छिरयम मोह सामान्य वर्तते, आपका कहना ठीक है, मूर्छा शब्द जो है वह मूर्छी जिससे मूर्छा बना हुआ है, यह मोह सामान्य के अर्थ में मोह मोहित होना, वह भी मोहित ही हुआ है, जो बेहोश हुआ है किसी न किसी कारण से मोहित हुआ है। सामान्य चोदनाश्च विशेषे अवतिष्ठन्ते, जो एक सामान्य अर्थ लिया गया जिसमें से वह किसी भी विशेष अर्थ में प्रयुक्त किया जा सकता है, उसके विशेष अर्थ उसमें से निकाला जा सकता है। इति उक्ते विशेषे व्यवस्थिता परिगृह्यते परिग्रह प्रकरणात्, इसलिए उसका जो विशिष्ट अर्थ यहाँ ग्रहण किया जा रहा है परिग्रह का प्रकरण होने से, परिग्रह के प्रति मूर्छा। और लोक में कहा भी जाता है धन संपत्ति वैभव में वह मदहोश हो गया है, तो मदहोश हो गया माने एक तरह से उसी बाकी होश खो ही दिया ना उसने, तो बेहोश जैसे ही हुआ है, मूर्छा ही आगे उसे उस प्रकार की मूर्छा के रूप में लिया, मोहित होने के अर्थ में लिया मूर्छा को सीधा। एवं अपि बाह्यस्य परिग्रहत्वं न प्राप्नोति आध्यात्मिकस्य संग्रहात्, यदि ऐसा करते हो कि मूर्छा से मोह लेते हो और वह मोह सामान्य के अर्थ में लेते हुए आप यहाँ पर परिग्रह से उसे जोड़ते हो, तो फिर ये तो अकेले अभ्यंतर परिग्रह में तो घटित होगा, लेकिन बाह्य परिग्रह में तो ये बात घटित नहीं होगी। बाह्य को परिग्रह कैसे कहेंगे, बाह्य तो जड़ वस्तुएं हैं,
हाँ, अंतरंग में जो मोहित हो रहे हैं, मोह राग द्वेष के भाव हो रहे हैं, उसका तो ग्रहण हो जाएगा। आध्यात्मिकस्य संग्रहात, या आध्यात्मिक अर्थ अपना अध्यात्म नहीं है। अब अंतरंग परिग्रह के लिए आध्यात्मिक के अंतरंग के परिणाम बने, वो अंतरंग परिग्रह, उसका ग्रहण तो हो जाता है मूर्छा से, लेकिन बाह्य का ग्रहण नहीं हो सकेगा। सत्यम एवं एतत्, अरे ये भी बात आपकी सही है, लगता है टोडरमल जी ने शैली यहीं से ली है, तुमने कहा सो ठीक, सामने वाले का तत्काल खंडन नहीं करते हैं। सत्यम एवं एतत्, तो आप कह रहे हो बात सत्य है। प्रधानत्वात् अभ्यंतर एव संग्रहिता, कहले हमें भी यही इष्ट है कि मुख्य तो वही है, मुख्य होने से अभ्यंतर का ही ग्रहण करना है, अभ्यंतर ही परिग्रह वास्तव में। असति अपि बाह्ये मम इदम इति संकल्पवान स परिग्रह एव भवति। असति अपि बाह्ये, बाहर में ये बाहर का परिग्रह नहीं भी हो ना, और मम इदम इति संकल्पवान, और फिर भी मेरा मेरा कर रहा हो, ममत्व का परिणाम जिसे हो वह क्या है, स परिग्रह एव भवति, वह परिग्रह वाला है। स्मश्रु नवनीत जैसा, स्मश्रु नवनीत की कहानी आई ना, या शेख चिल्ली समझ लो, हिंदी वालों के लिए शेख चिल्ली, संस्कृत वालों को स्मश्रु नवनीत। स्मश्रु नवनीत की कहानी, मूछों पर जिसके छाछ पीते हुए क्या जम गया था, मक्खन जम गया, मक्खन जम गया, तो वो क्या क्या कल्पनाएं कर ली उसने, पूरा पूरा परिग्रह का वो खड़ा कर लिया ना। अब वो कह रहे सब परिग्रह, वो है नहीं, कुछ भी नहीं है उसके पास में, लेकिन ये मेरा 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 ऐसा जो कल्पना में ही कर रहा है, तो बाह्य में न हो और कल्पना में भी कर रहा हो वो भी परिग्रह वाला कहलाता है। अथ बाह्य परिग्रह न भवत्येव भवति च मूर्छा कारणत्वात् यदि मम इदम् इति संकल्पा परिग्रह संज्ञानाद्यपि परिग्रह प्राप्नोति तदपि ही ममेदम् इति संकल्प्यते रागादि परिणामवत्। यदि ऐसा आप कहोगे कि बाह्य परिग्रह नहीं है, अभ्यंतर ही है, क्योंकि मूर्छा का कारण होने से, और ममेदम् इति संकल्प परिग्रह, ये मेरा ऐसा संकल्प परिग्रह है, तो कहते ज्ञान इत्यादि में भी ऐसा ही होगा, फिर मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरा चारित्र, तो इसमें भी तो मेरा मेरा कर रहे, ये भी अभ्यंतर है और मेरा मेरा कर रहे इसमें, तो ये ज्ञानादि भी परिग्रह पने को प्राप्त हो जाएंगे। तदपि ही मम इदम इति संकल्पते, उसमें भी तो मेरा कहा जाता है, कैसे, रागादि परिणामवत्, जैसे क्रोध मेरा, राग मेरा ऐसा कहते हैं, जैसे ज्ञान मेरा, तो उसमें भी मेरा पना करते हैं, वह भी परिग्रह हो जाएगा। न एष दोषा, यानी ज्ञानादि परिग्रह नहीं कहलाएंगे, परिग्रह पाप नहीं कहलाएंगे। प्रमत्त योगात इति अनुवर्तते, वो प्रमत्त का योग होना चाहिए, माने राग द्वेष सहित तो होना चाहिए। तथा ज्ञान दर्शन चारित्र बताह अप्रमत्तस्य मोहाभावात न मूर्छा अस्ति इति निष्परिग्रहत्वं सिद्धम्। अब यहां तो सीधा उनको पकड़ लिया, किनको, रत्नत्रयधारी, और रत्नत्रय में भी उत्कृष्ट रत्नत्रय वाले, ज्ञान दर्शन चारित्रवान, और वे कैसे हैं, अप्रमत्त, और अप्रमत्त है तो उनका मोह है ही नहीं ना, मोह नहीं है। प्रमत्त योगात माने मोह सहित, और ये जो ज्ञानी है, श्रद्धानी, चारित्रवान है, उनके तो मोह है नहीं, मोह नहीं है इसलिए न मूर्छा अस्ति, मूर्छा नहीं है इसलिए निष्परिग्रहत्वम, इसलिए परिग्रह नहीं, वो ज्ञान दर्शन के प्रति भी परिग्रह नहीं है। किंच, और दूसरा भी हेतु देते हैं इसके लिए, तेषां ज्ञानादीनां अहेयत्वात् आत्मस्वभावत्वात् अपरिग्रहत्वम्। ज्ञानादि तो आत्मा के स्वभाव है और उपादेय है, ग्रहण करने योग्य, छोड़ने योग्य नहीं है। जो छोड़ने योग्य हो और उसको ग्रहण करके मेरा मेरा करता हो तो परिग्रह कहलाएगा, और जो परभाव है, परभाव को ग्रहण करे, ये तो ज्ञानादि तो स्वभाव है और ग्रहण करने योग्य है, इसलिए इसमें परिग्रह का दोष नहीं आएगा।
रागादया पुनः कर्मोदय तंत्रा इति अनात्म स्वभावत्वाद हेया। देखो रागादि को परिग्रह क्यों कह रहे हैं, रागादि को, रागादि भी तो जीव के परिणाम है ना, जीव के परिणाम नहीं है कह रहे हैं, वे तो कर्मोदय से हुए हैं इसलिए अनात्म स्वभाव वाले हैं। इस अधिकार में कर्ता कर्म अधिकार का प्रारंभ का विषय पूरा आ रहा है आश्रव के संबंध में, आश्रव जड़ है अनात्म स्वभावत्वात् कर्मोदय से हो रहे ना इसलिए वे आत्म स्वभाव वाले नहीं हैं और हे ही तो है ही, इसलिए उसमें ततः तेषु संकल्पा परिग्रह इति युज्यते, इसलिए उसमें संकल्प, संकल्प माने मम इदम ये मेरा, ऐसा जो उसमें संकल्प परिणाम होता है वह परिग्रह कहलाता है, माने ज्ञानादि के संदर्भ में परिग्रह नहीं कहलाएगा। योगसार प्रावृत अमित गति आचार्य का, उसमें तो ऐसा लिखा जैसे ये सामान्य जन व्यापारी धन संपत्ति इकट्ठे करते हैं उनके लिए धन संपत्ति परिग्रह है, ऐसे विद्वानों का भी परिग्रह है। क्या परिग्रह है? शास्त्र, इसको कहा शास्त्र विद्वानों का परिग्रह। शास्त्र परिग्रह इसका अर्थ ये नहीं कि हमने बहुत सारे शास्त्र इकट्ठे कर लिए हैं, हमारे घर में शास्त्र भंडार है, वो परिग्रह नहीं, हमने बहुत शास्त्र पढ़ लिए हैं, बहुत शास्त्रों का हमको ज्ञान है, उसका अभिमान कर रहे हो ना, वो परिग्रह है। तो यहाँ तो ज्ञान को तो परिग्रह नहीं कह रहे हैं। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो जो ज्ञान है, ज्ञान स्वभाव और ज्ञान स्वभाव का आश्रय करने से प्रकट हुआ निर्मल ज्ञान की पर्याय है, वो भी ज्ञान स्वभाव कहलाएगी, वो परिग्रह नहीं है। लेकिन वो उसमें जो अभिमान कर रहे हैं और वो अभिमान करने वाला क्षोपक्षम ज्ञान में अभिमान कर रहा है, क्षोपक्षम बढ़ गया उसमें अभिमान कर रहा है, वो क्षोपक्षम ज्ञान भी यहाँ की अपेक्षा से वो कर्मोदय तंत्र वाला ही होगा, उसको परिग्रह कहा जा सकता है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, तन मूला सर्वे दोषाहा, जितने दोष पाप जगत में जीव करता है, बुराइयां जितनी जगत में है उसकी जड़ क्या है, ये परिग्रह है। झगड़े की जड़ तीन कही गई ना, जड़ जोरू और जमीन, और सब तीनों सब परिग्रह ही है वे सब। तन मूला सर्वे दोषा मम इदम इति ही सती संकल्पे संरक्षणादया संजायन्ते, मेरा ऐसा संकल्प ऐसा परिणाम होते ही ममत्व आते ही उसके संरक्षण की तरफ लगता है, और जब संरक्षण में लगेगा तो तत्र च हिंसा अवश्यम भाविनी, फिर उसमें हिंसा अवश्य होती है। इस संदर्भ में भी मेरे ख्याल से जब आकिंचन्य की या त्याग की चर्चा होती है तब ये बात अपन करते हैं। मेरे पास समझ लो, मेरे पास तो एक भी नहीं है, लेकिन रहने के लिए यदि मकान चाहिए तो कितने चाहिए, एक चाहिए, और किसी के चार पांच मकान हैं। यदि कोई काम चलना फिरना है जाना आना कहीं तो कितनी गाड़ियों की आवश्यकता होती है, एक गाड़ी की आवश्यकता होती है, एक गाड़ी भी जब चाहिए तभी उपयोग करता है। लेकिन उस व्यक्ति को पाप कितने का लग रहा है, रह रहा है एक मकान में, चलेगा एक गाड़ी में, लेकिन पाप कितना लग रहा है, पांच मकानों का लग रहा है, जितनी उसकी गाड़ियां वो सब का लग रहा है, तो परिग्रह का लग रहा है ना, कि नहीं परिग्रह का नहीं लग रहा अकेले, हिंसादि का भी लग रहा है, हिंसादि का कहाँ, तो परिग्रह है इकट्ठा है, तो ये अकेले परिग्रह नहीं है, वो जो बाकी के मकान जिसमें नहीं रह रहा है उसकी भी साफ सफाई होगी, उसमें जो भी हिंसा हो रही है वो उस हिंसा का पाप भी इसे लगेगा, वो तो नहीं वहाँ के नौकर चाकर जो वे करते होंगे उनको नहीं लगेगा, क्योंकि मम इदम जिसका मेरापना आया है अब उसके फिर संरक्षण आदि कर रहा है, उसमें जो हिंसादि होते हैं वो सारे पाप उसी को लगते जिसका स्वामीपना है, इसलिए हिंसा अवश्यम भाविनी। तदर्थम अनृतम जलपति, और उसके लिए क्या करता है, झूठ बोलता है,
अभी तो गवर्नमेंट ने कह दिया ना कितना कितना है बता दो सभी, और बेनामी संपत्ति भी नहीं चलेगी दूसरे के नाम से, बता रहे कौन बता रहा है। तो है रखना चाहते हैं लेकिन कहना नहीं चाहते हैं, अपना बताना नहीं चाहते हैं, तो समझ लो कर आदि बचाने के लिए झूठ भी बोलते हैं। चोरियम वा आचरती, वो टैक्स की चोरी कर रहे तो समझ लो चोरी का भी आचरण करते हैं। मैथुने च कर्मणि प्रयतते, और ऐसा बहुत धन संपत्ति हो जाए तो फिर वे कदाचार में भी लग जाते हैं। क्या कहा वो संस्कार के बिना सुविधा, उसकी जगह संपत्ति लगा लो। संस्कार की बिना संपत्ति होगी वो क्या होगी, पतन के लिए कारण बनेगी। मैथुने च कर्मणि प्रयतते तत् प्रभवा नरकादिषु दुख प्रकारा, और इसलिए फिर क्या होगा नरक आदि में जाके दुख उठाने पड़ेंगे। बहुआरंभ परिग्रह तम नारकस्य आयुषा, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, आरंभ में तो बहुत पाप कर रहा है लेकिन बहुत परिग्रह, तो वो परिग्रह तो बहुत है लेकिन वो कुछ नहीं करता, तो वो अपनी तरफ से पाप तो नहीं कर रहा है तो उसे तो नहीं जाना चाहिए ना, वो कहाँ कर रहा है पाप। लेकिन वो जो बहुत परिग्रह है उससे संबंधित सारा पाप इसे ही लगने वाला है, मम इदम, क्योंकि मेरा मान करके बैठा हुआ है। राजेश्वरी ते नरकेश्वरी कहाँ है, यदि राजपाट में रहेंगे तो नरकगामी हो जाएंगे, छूटेगा नहीं, और छोड़ेंगे तो ही कल्याण हो सकेगा उसमें, इसलिए परिग्रह के पाप करने की चर्चा की। इस तरह पांचों पापों के लक्षण बता दिए गए। अब थोड़ी सी चर्चा दूसरी प्रारंभ करते हैं। एवं उक्तेन प्रकारेण हिंसादि दोष दर्शिनः अहिंसादि गुणाहित चेतसः परम प्रयत्नस्य अहिंसादीनि व्रतानि यस्य सन्ति सः, जिसके ऐसे अहिंसादि व्रत है वो कौन कहलाएगा, ये विशेष बात कहने जा रहे हैं। पुनः देखिए, एवं उक्तेन प्रकारेण, इस प्रकार से कहे हुए हिंसादि दोष दर्शिनः, जिसे हिंसादि के दोष लक्षण भी ख्याल में आए और दोष भी बता दिए, क्या दोष बताए थे, दुख में हुआ, उससे पहले इहा मुत्रा अपाया वद्य दर्शनम, इस लोक में और आगामी भव में अपाया और अवध्य के लिए कारण है, इस तरह से जो हिंसादि के दोष बता दिए, और अहिंसादि गुण आहित चेतसा, और अहिंसादि गुण वो ग्रहण करने की इच्छा वाला, उसको ग्रहण किए हुए प्राप्त किया है जिसने, परम प्रयत्नस्य, ऐसा परम प्रयत्न वाला अहिंसादिनी व्रतानी यस्य संति, जिसके अहिंसादि व्रत है वह क्या कहलाता है, सह निश्चल्यो व्रति, वह व्रती कहलाता है और वह निश्चल्य होता है। सामान्य रूप से तो ऐसा भी कहा जा सकता था, ये जो हिंसा नतस्ते या ब्रह्म परिग्रह व्यवृतिर व्रतम, ये व्रत है, और सर्वतोण महति भी कह दिया, वैसे अगला ही सूत्र आने वाला है अगार्य नगारस्य। अब वो व्रतों को जिसने अंगीकार किया वो व्रती है, अब व्रती कैसा होता है कि निश्चल्य होता है, उसके निश्चल्यता की बात करनी है, लेकिन यहाँ बात जोड़ी दूसरी तरह से, जो इस प्रकार से हिंसादि दोष छोड़ चुका, उसके दोष देखते हुए, हिंसादि के दोष देख करके और अहिंसादि व्रतों के गुण मान करके उसे ग्रहण करना चाहता है, और ऐसे अहिंसादि व्रत जिसके हैं वो क्या कहलाता है, व्रती कहलाता है, लेकिन वो निश्चल्य भी होता है, वो निश्चल्यता पर जोर देना है। श्रृणाति हिनस्ति इति शल्यम, हिनस्ति माने जो सताता है, दोष माने चुभने के अर्थ में है सीधा, शल्य माने काटा है और वो चुभता है जैसे, तो श्रृणाति और हिनस्ति का अर्थ करना है, हिंसा के अर्थ में बताते ना हिनस्ति, हिंसा करता है माने तकलीफ देता है, कष्ट देता है, श्रृणाति हिनस्ति जो कष्टदायक है वो शल्य कहलाता है। शरीरानुप्रवेशी कांडादि प्रहरणम शल्यम इव शल्यम, जो शरीर में प्रविष्ट हुआ कोई कांटा इत्यादि, और वो कांटा अंदर चुभता रहता है ना, वो शल्य कहलाता है,
और उसी तरह जो अंदर चुभता हो वह समझ लीजिए शल्य है, शल्यम इव शल्यम, उस कांटे की तरह जो है वो शल्य कहलाएगा। यथा तत् प्राणिनः बाधाकरम तथा शारीर मानस बाधा हेतुत्वात् कर्मोदय विकारः शल्यम इति उपचर्यते। जैसे वो कांटा शरीर में प्रविष्ट हो गया हो तो वो जैसे बाधाकरम जीवों को बाधा कर कष्टदायक होता है, तथा उसी प्रकार शारीर मानस बाधा हेतुत्व कर्मोदय विकारः, कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ जो विकार है वह भी जीवों के शारीरिक और मानसिक बाधा का हेतु बनता है। शारीर मानस बाधा हेतुत्वात् हेतु होने से कर्मोदय के विकार को ही शल्य कहा जाता है उपचार से। वो कर्म का उदय कोई कांटा नहीं है, वो कांटे जैसे कोई आपको अंदर से चुभ रहे हो तो वो तो नहीं चुभते हैं, लेकिन जब उदय में आने पर जो विकारी भाव होते हैं क्रोधादि विकार वो जरूर कष्ट देते हैं, तो कैसे देते हैं कि कांटे की तरह। इसलिए उपचार से कर्म को उदय और उनको भी शल्य कहा जाता है। तत्त्रिविधम, वे जो शल्य हैं जीवों को बाधा पहुंचाने वाले तीन प्रकार के हैं, माया शल्यम निदान शल्यम मिथ्या दर्शन शल्यम इति। माया मिथ्यात्व और निदान इस रूप में बात करते हैं। माया मिथ्यात्व और निदान, वैसे तो क्रोधादि भाव भी कष्टदायक होते ही हैं, लेकिन मायाचारी को मुख्य रूप से लिया। क्रोध जिसे किसी को आ रहा होगा ना वो दिखाई देता है, कोई मान अभिमान कर रहा होगा तो दिखता है, और मायाचारी नहीं दिखती नहीं है, और यदि दिखाई दे रहे तो मायाचारी कैसे है? वो क्या करना चाह रहा है, वो नहीं दिखाना चाहता है, तब तो मायाचारी कहलाती है। इसलिए कह रही कि वो माया जो है वो शल्य है। अंदर कोई कांटा चुभा हुआ हो ना वो दिखता नहीं है, वो दिखता नहीं है और सालता रहता है बराबर, तो इसलिए क्रोधादि को नहीं करके माया को शल्य के रूप में कहा। ऐसे निदान, कोई बहुत ठाट बाट से पूजा भक्ति कर रहा है, विधान कर रहा है, क्यों कर रहा है विधान कर रहा है क्यों कर रहा है इतने साहब भगवान की भक्ति कर रहे हो, वो तो ठीक है लेकिन क्यों कर रहे हो। अब वो कहोगे तो बात आ जाएगी बाहर, क्यों कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। वो दादा सुनाते ना, अशोक नगर में होने वाला था सिद्ध चक्र विधान, किसके लिए, बरसात नहीं हो रही थी इसलिए, और शुरू कर दिया फिर भी बारिश नहीं हो रही थी, तो क्या कह दिया लोगों ने कि ये हुकुमचंद जी पंडित जी नहीं आ रहे हैं इसलिए बरसात नहीं हो रही है, अब वे आ जाएंगे तो होगी, इसलिए चलो। कहले नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे होता नहीं है। नहीं नहीं आप नहीं आ रहे इसलिए नहीं हो रहा है, बोले इसी से होता ही नहीं, नहीं नहीं फिर भी आप आओगे तो अच्छा रहेगा, बोले नहीं। और दूसरा क्या कहा था, मैं यहाँ पे मंत्र जपता रहूँगा कि न होवे, पानी बरसे नहीं, कम से कम जब तक सिद्ध विधान हो रहा है तब तक तो नहीं बरसे। ये क्यों, अभी हाल बरस गया तो क्या मिथ्यात्व तो पुष्ट हो जाएगा कि इससे बरसात होती है। वो एक बार का तो मिथ्यात्व तो पुष्ट हो ही गया है कि जो कुष्ठ रोग दूर हो जाता है सिद्ध चक्र विधान करने से, अभी और नया और शुरू हो जाएगा इसके साथ में। अभी अभी कहीं सिद्ध चक्र विधान हो रहा है, वहाँ पर इंद्रादि तो बनाए ही गए हैं, साथ में श्रीपाल मेना सुंदरी भी बनाए गए हैं विधान के लिए पात्र, श्रीपाल मेना सुंदरी। तो ये तो अच्छा, मेरा ये कहना है कि वो निदान जो दिखता नहीं है, निदान भी है अभी भक्ति भाव करते हुए दिख रहा है, लेकिन भक्ति भाव क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वो अंदर में उसके ये प्राप्ति हो जाए, ये इच्छा हो जाए, ये अंदर में निदान है। और मिथ्यात्व विपरीत मान्यता तो अंदर की होती ही है। माया निकृतिर वंचना, माया किसे कहते हैं, ठगना, माने वही मायाचारी का परिणाम। निदानम विषय भोगाकांक्षा, निदान क्या है, विषय भोगों की इच्छा।
मिथ्या दर्शनम अतत्व श्रद्धानम, ये तो स्पष्ट ही है सभी के लिए। एतस्मात् त्रिविधात शल्यात निष्क्रांतो निश्शल्यो व्रती इति उच्यते। इस तीन प्रकार के शल्यों से जो रहित होता है वह निश्शल्य व्रती कहलाता है, या व्रती है वह इस तरह से निश्शल्य होता है ये कहा जाता है। अत्र चोद्यते शल्याभावात निश्शल्यो व्रताभिसंबंधात व्रती न निश्चल्यत्वात् व्रति भवितुम अर्हति। भाई आपको तो ये शंकाकार शंका कर रहा है, यहाँ कोई पूछता है कि आपको निश्चल्यो व्रति कह रहे हैं ना, इसकी व्याख्या ऐसी करना चाहिए कि शल्य के अभाव होने से निश्चल्य है और व्रतों को ग्रहण करने के कारण से व्रति है, व्रताभि संबंधात व्रति और निश्चल्यात् निश्चल्यो। आप क्या कह रहे हैं कि निश्चल्यत्वात् व्रति, ये निश्चल्य है इसलिए व्रती है, तो व्रतीपने का हेतु निश्चल्यपने को कैसे बना रहे हो? निश्चल्य का हेतु ये शल्य से रहित होना, व्रति होने का कारण है व्रतों को अंगीकार करना। नहीं देवदत्तो दंड संबंधात छत्री भवती इति, कोई डंडा लिए हुए हैं और इसलिए उसको छत्री थोड़ी कहा जाएगा, छाता छत्र लिए हुए हो ऐसा तो नहीं कहेंगे, दंड है तो दंडी कहलाएगा, ऐसे शल्य रहित है तो निश्शल्य कहलाएगा और व्रत से सहित है तो व्रती कहलाएगा। निश्शल्य होने से व्रती कैसे कहते हो, ये प्रश्न है उसका। अत्र उच्चते, इसका उत्तर देते हैं, उभय विशेषण विशिष्ट विशिष्टस्य इष्टत्वात्, दोनों विशेषण यहाँ पर इष्ट है, दोनों आवश्यक है। कौन से दोनों? शल्य का अभाव भी जरूरी है और व्रतों का धारण भी जरूरी है, ये दोनों को सिद्ध कर रहे आगे। न हिंसादि उपरति मात्र व्रताभि संबंधात व्रति भवति अंतरेण शल्याभावम, ये संस्कृत में आगे पीछे होता है, शल्याभावम अंतरेण, ये पहले लगा लो, शल्याभावम अंतरेण, शल्य के अभाव के बिना, शल्य का अभाव नहीं हुआ, माया मिथ्यात्व निदान ये शल्य गए नहीं हैं, और यदि हिंसादि उपरति मात्र, हिंसादि को छोड़ दिए और इससे व्रताभि संबंधात व्रत ग्रहण कर लिए, इतने मात्र से न व्रति भवति, इतने मात्र से व्रति नहीं होता है। बने हिंसादि के त्याग का नियम किया नियम पूर्वक इसलिए व्रति, लेकिन वो माया मिथ्यात्व निदान के शल्य नहीं गए होंगे तो व्रती नहीं कहलाएगा। सती शल्यापगमे व्रत संबंधात व्रती विवक्षिता यथा बहु क्षीर घृतो गोमान इति व्यपदिश्यते। शल्य अपगमे सती, शल्य निकल जाए, ये माया मिथ्यात्व निदान नहीं हो और व्रत संबंध हो, फिर व्रत अंगीकार किए हुए हो तो व्रति विवक्ष, यहां वही व्रति विवक्षित है, बिना शल्य के व्रतों को धारण करने वाला व्रति, जैसे बहु क्षीर घृतो गोमान इति व्यपदिश्यते, ये इनके पास बहुत गाय भैंस है ना, गोमान गोपालक माने बहुत धनवान है समझ लो, जिसके पास गोधन बहुत है, ये कब कहा जाएगा कि बहु क्षीर घृता, जिसके पास बहुत घी इत्यादि हो उसके लिए कहा जाएगा, माने बहुत घी इत्यादि भी है और गाय है, ऐसे व्यक्ति को माने घी दूध घी से संपन्न जिसके पास गाय होंगे उसके लिए कहेंगे कि गाय आदि इसके पास बहुत है। बहु क्षीर घृता भावात सतीषु अपि गोशु न गोमान, यदि किसी के यहाँ बहुत गाय होंगे लेकिन दूध घी तो कुछ भी नहीं हो, बहुत दूध घी होता नहीं होगा तो, कि बहुत दूध घी नहीं दिख रहा होगा तो उसे वो गाय इत्यादि के धन वाला नहीं कहा जाएगा, जबकि है उसके पास, ऐसे क्या कहना चाहते हैं? तथा सशल्यत्वात् सत्सु अपि व्रतेषु न व्रति, ऐसा ही यदि शल्य है और बहुत बाहर से व्रतादि अंगीकार भी किए हुए होगा तो भी व्रति नहीं कहलाएगा। इसमें ये कह सकते हैं कि बाहर से नियम तो ले लिए हैं लेकिन अंदर यदि माया मिथ्यात्व निदान होंगे तो व्रतादि का पालन
दिखावा करेगा अंदर से नहीं कर पाएगा, वो लोगों को दिखाने के लिए करेगा, तो इसलिए पालन कहाँ हो रहा है वो, इसलिए कैसा व्रती कहलाएगा। और सम्यक दर्शन के बिना व्रत होते ही नहीं है, तो मिथ्या दर्शन ही पहले से हैं तो कैसे व्रती कहलाएगा। यस्तु निश्चल्य सव्रति, इसलिए वास्तव में जो निश्चल्य है वही व्रती कहलाता है। तस्य भेद प्रतिपत्त्यर्थम आह, अब उनके भेद बताते हैं किसके, व्रती के। वह व्रती कितने प्रकार के हो सकते हैं, अगार्यणगारश्च। इस सूत्र में भी व्याकरण की दृष्टि से लगाना कितने प्रकार के हो गए व्रती, दो प्रकार के, कौन कौन से, अगारी और अनगार। तो इधर अगारी कह रहे हैं तो उधर अनगारी नहीं कहना चाहिए, अगारी और अनगार ऐसा क्यों कह रहे हैं। व्याकरण की दृष्टि से इसमें से निकाल लेना, इसमें इस संदर्भ में कोई बात नहीं की है, और क्यों अनगार क्यों रहा, अनगारी क्यों नहीं हुआ वो देख लेना उसमें से। अभी तो समझ लेना, एक वैसे मोटे तौर पर ये भी कहा जाता है ना, पंडित आशाधर जी ने दो ग्रंथ लिखे ना श्रावकाचार्य के, सागार धर्मामृत और अनगार धर्मामृत, तो सागार और अनगार, तो सागारी नहीं कहा उसमें, सागारी का और अनगार कह दिया, लेकिन यहाँ अगारी और अनगार कह रहे हैं। ये हो सकता है स लग गया, स लगा तो सा मैंने आगार सहित तो हो गया वो, सागर मैंने सागार हो गया ना, तो आगार सहित तो स लगने से सागार हो गया, लेकिन अगार अकेला है तो घर हुआ, व्यक्ति कहाँ हुआ, तो अगारी। अब अनगार में कैसे जोड़ेंगे, हाँ कैसे, बराबर है, लेकिन तो अनगारी होना चाहिए था ना उधर भी, हाँ अच्छा, यस्य अगारः न नास्ति स अनगारः, यस्य अगारः नास्ति स अनगारः, ऐसा इसलिए मैंने कहा ना क्या शब्द लिया वो देखना चाहिए ना। प्रतिश्रयार्थी भी अंग्यते इति अगारम वेश्म, प्रतिश्रयार्थी भी अंग्यते, आश्रय चाहने वालों के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, अब मुझे कुछ चाहिए रहने के लिए स्थान, उसके द्वारा जो ग्रहण किया जाता है वो अगार कहलाता है, माने वेश्म माने घर। तदवान अगारी, हाँ आगे वही व्याख्या किया गया, वह अगारी कहलाता है। न विद्यते अगारम अस्य इति अनगारः, हाँ ये समासिक विग्रह कर दिया, न विद्यते अगारम अस्य इति अनगारः, जिसका अगार नहीं है वह अनगार। द्विविधो व्रति अगारी अनगारश्च, व्रति दो प्रकार के हैं, एक अगारी है और दूसरे अनगार है। ननु च अत्र विपर्ययोपि प्राप्नोति, शून्यागार देवकुलाद्यावासस्य मुनेः अगारित्वम् अनिवृत्त विषय तृष्णस्य कुतश्चित् कारणात् गृहं विमुच्य वने वसतः अनगारत्वं च प्राप्नोति इति। कहते उल्टा भी होता है, मुनिराज है वह अगारी हो और गृहस्थ है वह अनगार हो, कैसे, कोई जो है ना अत्र विपर्योपि प्राप्नोति, इसके उल्टा भी होता है, शून्यागार देवकुलादि आवासस्य मुनेः अगारित्वम्। मुनिराज कहाँ निवास करते हैं, शून्यागार विमोचितावास कह दिया ना, या फिर देवकुलादि कोई मंदिर आदि में रहते हों, कदाचित कहीं निवास करते हैं ना नसिया इत्यादि में, तो वो अगार हो गया ना उनके लिए, तो वे तो अगारी हो गए। और अनिवृत्त विषय तृष्णस्य, जिसकी विषय तृष्णा तो छूटी नहीं है, और कुतश्चित कारणात् ग्रहम विमुच्य, झगड़ा हो गया या कुछ अपराध किया इसलिए भाग गया, वने वसतः घर छोड़ करके वन में निवास कर रहा हो, तो वह अनगारत्वम च प्राप्नोति, वह अनगार कहलाने लगेगा। यदि ऐसा कहा जाए तो कि न एष दोषः भावागारस्य विवक्षितत्वात्,
यहाँ भावागार लेना चाहिए, अकेले बाहर के घर की बात नहीं है। और इसीलिए टोडरमल जी ने क्या कहा, क्या छोड़ने की बात की, मुनि बनने के लिए गृहस्थ पना छोड़ने की बात की, अकेले बाहर के घर छोड़ने की बात नहीं है। भावागारस्य विवक्षितत्वात् चारित्र मोहोदये सति अगार संबंधम प्रति अनिवृत्तः परिणामः भाव अगारम इति उच्यते। चारित्र मोह के उदय के कारण जिसके मोह हो रहा है उसे अगार संबंधम प्रति अनिवृत्त परिणामः, इसलिए घर संबंधी जिसके परिणाम अभी निवृत्त नहीं हुए हैं, मेरा मेरा पना पड़ा हुआ है, वो भावागार, वो गृहस्थ पना जिसके अंदर पड़ा हुआ है वो भावागार कहलाता है। स यस्य अस्ति स स अस्य यस्य अस्ति असौ लेंगे क्या, अस्ति असौ अगारी, हाँ ये जिसका है वह अगारी, वने वसन्नपि वन में रह रहा होगा तो भी वह अगारी कहलाएगा। ग्रहे वसन्नपि तद अभावात अनगारिति च भवति, और कोई घर में रह रहा होगा और यदि ऐसा उसे मूर्छा उसके प्रति क्या कह दिया, चारित्र मोह के उदय से उसके प्रति परिणाम मोह नहीं होगा तो फिर वह अनगार कहलाएगा। भावागार का अभावपना होगा उसके, तद अभावात अनगार, वो घर में रहते हुए भी अनगार है, माने वो वन में रहते हुए अगार है और वो घर में रहते हुए अनगार है। ननु च अगारिनो व्रतित्वम न प्राप्नोति असकल व्रतत्वात्, के लिए ऐसा कैसे संभव है, घर में रह रहा हो अगारी उसका व्रतीपना संभव नहीं है, महाव्रतीपना, क्यों, असकल व्रतत्वात्, वो सकल व्रती तो नहीं है तो उसको अनगार कैसे कह सकते हैं। न एष दोषः नैगमादि नयापेक्षया अगारिणोपि व्रतित्वम उपपद्यते नगर नगरावासवत नगरावासवत, ये नैगम ने की अपेक्षा से कह रहे, वो अगारी भी महाव्रती कहलाता है, क्योंकि जिसके अभी अंदर से घर के प्रति मोह छूट गया है ना, वो जल्दी ही मुनि दीक्षा लेने ही वाला है, अभी रहते हुए दिख रहा है लेकिन भविष्य में वो निश्चित रूप से मुनि बनने वाला है, इसलिए उसका व्रतीपना सिद्ध होता है। नगरावासवत क्या लिया उदाहरण में, नीचे देखिए तीसरी पंक्ति हिंदी में, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि नैगम आदि नयों की अपेक्षा नगरावास के समान अगारी के भी व्रतीपना बन जाता है। जैसे कोई घर में या झोपड़ी में रहता है तो भी मैं नगर में रहता हूँ यह कहा जाता है, माने रह कहाँ रहा है, या तो अपने घर में या झोपड़ी में, लेकिन कहेगा क्या, नगर में रह रहा हूँ, तो एक ये नैगम नहीं कह रहे उसे। उसी प्रकार जिसके पूरे व्रत नहीं है वह नैगम संग्रह व्यवहार नहीं की अपेक्षा व्रति कहा जाता है, अभी अधूरे हैं लेकिन उसके बाद भी पूरे महाव्रत की अपेक्षा उसे व्रति कहा जा सकता है, लेकिन मुख्यतः है उसके अपनत्व निकल जाना चाहिए, भावागारपना उसका निकल जाना चाहिए तो व्रति कहलाता है। चलिए अब वो अगारी कौन है अनगारी कौन है इसकी चर्चा लेकर के अगारी गृहस्थ के और जो व्रत होते हैं उनकी चर्चा आगे करेंगे।